One pick. Were you like smiling, happy? Vardha, we'll start with you. You saw it. There was a crew. There was a jump. It's nice, no? Yeah, I was very excited when I saw it for the first time. I think it's a very, very, very beautiful film. बहुत जमाने बाद फिर आपको वो लहराते हुए खेत दिखेंगे, वो सफेद सफेद पहाड़ दिखेंगे, और खूबसूरत लोग बाइक पे जाते हुए रोमांटिक लुक्स दिखेंगे. सो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल. एवरीवन्स डन अ ब्रिलियंट जॉब. इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. यू आर गोना लव इट. एक्चुअली टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया सर, सब जगह है. मतलब कश्मीर का खूबसूरत लग रहा है. आई लव इट, आई लव इट. मुझे कश्मीर का मेरे बड़ा बाबा का पहाड़ है. Now, before I come to you also, since you are also feeling shady, you know, there's always a question ki jab producer ban jata hai ki, kya achhi ban payegi ki nahi? Pehle din to hum log sab josh ke saath aate hain. Aap roz set par aa rahe the pehle 5 din. Uske baad kya wahi josh raha towards the end? I was on the set all the days and I think it's been really surreal. And having Kartik and Kiara, they have been like the first choice and the perfect. We couldn't have imagined for like anybody to do this film. So I think it's been like a completely surreal experience and everyone's put in their heart and soul into this film. Now you have the people with you, when you heard them cheering, andar se thoda sa ho jata hai, yeah, you know, relief factor ho gaya hai. At least if the media, you know, because they anyone would take this. Agar wo bhi clap kar rahe hain, matlab ki thoda sa to genuine nikla hai. Yeah, yeah. So the butterflies are becoming lesser than with the... with the media screening, so as to say. Sameer sir, your vision is just unreal. So, you know, I bow down to you, you know, because... कई बार क्या होता है, डायरेक्टर्स आर मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, समटाइम्स दे आर मैन ऑफ मेनी वर्ड्स, यू नो. आपने इतनी बड़ी स्केल बनाई, यू नो, स्केल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट राइट. यस, यू गॉट बिग स्टार्स, बट यू नो, दे कैन पुल इट ऑफ, बट यू ऑल्सो नीड टू बी एबल टू पुल इट ऑफ. एंड द लुक एंड ऑल दैट, इट्स सो ब्यूटीफुल. और लोग डरते भी है. मैंने एक डायरेक्टर से एक बार बात की थी, उन्होंने बोला था कि यार सरल पैसे बढ़ाने से ना स्केल नहीं बढ़ता है. आप छोटी पिक्चर भी अगर बनाए वो भी स्केल से बना सकते हैं, बड़ी पिक्चर भी बनाए वो भी स्केल से बना सकते हैं. सो दिस विजन ऑफ योर्स, यू नो, ऑफकोर्स शायद सब लोग यहाँ नहीं जानते आपको, यू आर अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, तो ये इजी हो जाता है क्या व्हेन यू कम इन देयर? या फिर ये टेस्ट मैच का फर्स्ट डे है और बहुत स्ट्रेस हो जाता है, ये वर्ल्ड कप फाइनल मान लो? नहीं, ये टेस्ट मैच ही है और ये टीम वर्क ही है. जो भी विजन आप देख रहे हो ना, ये मेरे अकेले की नहीं है, ये राइटर से लेके एक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके सबकी है. क्योंकि एक बहुत अच्छी बात हम लोगों में थी कि हम लोग एक दूसरे से क्रिएटिव झगड़े करते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है. ये बहुत अच्छा लाइन है, एक्चुअली बहुत झगड़े होते हैं, ज्यादा जरूरी है. नहीं, क्योंकि उसी में से निकलती है चीजें, वही सच बोलने के पहले. नहीं, क्योंकि ना आमतौर पर लोग झगड़ों से दूर भागते हैं ना. नहीं नहीं, हम लोग करते हैं. हमें क्रिएटिव झगड़ालू सबसे ज्यादा कौन है, ये बताओ. खूबसूरत गाना भी है, वादियां भी है, झगड़े भी है, रोना भी है, साइलेंस भी है. दिस इज लाइक अ ड्रीम रोल, लाइक 5 and 1. सो व्हेन यू वर रीडिंग इट, सब जैसे बोला जैसे सोचा वैसे? बिल्कुल वैसे ही. आई थिंक इफ आई मे से दिस, आई फील दिस इज माय मोस्ट सेंसिटिव रोल कैरेक्टर पोर्ट्रेयल इन एनी फिल्म दैट आई हैव एवर डन. और फिर से मैं, हम लोग आज बहुत थैंक यूज बोलने वाले हैं, बिकॉज आज मौका मिला है हमारी टीम को. यू नो कि आई कैन टेल देम, आई वुड लाइक टू से इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दैट करण, जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, आई थिंक दिस फिल्म एक्चुअली केम टू मी before COVID. So before anyone was attached to the project, Shareen and Karan had come. At that time, it was only both of them. And I had heard this story and I was like, this is so beautiful. Unfortunately, pandemic ke wajah se, we didn't end up, you know, going ahead with it. And suddenly, kuch saalo baad ek announcement aaya tha with Kartik and Sajid sir. And I didn't know at that time ki ye wahi script tha jo, you know, maine padha tha like many, many years ago. And we were shooting for Bhool Bhulaiya 2 at the time. और मैंने, वी वर चैटिंग अबाउट एंड कार्तिक वाज लाइक, ओ यू नो, आई एम डूइंग दिस फिल्म एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड आई वाज लाइक, ओके ओके, आई डिडंट, आई हैड नो आइडिया एंड इट केम बैक इनटू माय लाइफ. सो आई फील सम फिल्म्स आर जस्ट डेस्टिन्ड टू हैपन. इट वाज इन माय डेस्टिनी टू बी कथा, टू प्ले दिस रोल. कथा मीन्स स्टोरी, सो दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ द स्टोरी इज वॉट यू नो, दैट्स व्हाट वी वर सेइंग कि ये बस 5% है, अब तो बहुत है जो आपको दिखाई देगा 29th को. But it's definitely the most sensitive role and performance for me and for this character, and I wouldn't have been able to do it without Sameer sir and without Karan, because
and without Kartik, because a lot of it is to do with, you know, the camaraderie between all of us. So thank you guys. I hope the amount of passion we've put into it and what we felt reading this script and you know, living these characters, were able to make you feel the same when you come to watch the film, and you feel the same emotions that we felt while we were making this one. I think everyone's already feeling it, लेकिन you know, you mentioned भूल भुलैया, एक अलग टाइम था तुम दोनों के करियर में, बॉलीवुड के लिए एक अलग टाइम हो गया था, you know, एक हम लोग भी एक हिट की खोज में थे, फिर ये आ जाता है फ्रेश ऑफ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर और दिस क्रोर्स आर कमिंग इन, एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड. अब क्या हो जाता है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी हैवंट रियली गॉन वेरी फार अहेड. इट्स अ टफ टाइम, ऑडियंसेस आर नॉट सो इजी टू प्लीज. इस प्रमोशन की बात भी करें, अगर फिल्म की प्रमोशन की बात करें, ऑर्गेनिकली बस सब कुछ हुआ है. इट्स वेरी नाइस, इट्स नॉट हार्ड इन योर फेस, जो आजकल सोशल मीडिया के साथ बहुत इजीली हो जाता है. So when you all both came back in together, there, I know you think a lot, Kartik. You know, I've chatted with you over years also. You know how you think, कि यार ये सही वक्त है क्या ये करने के लिए, क्या ये ऐसा आ रहा है. अब ये जो स्केल आ गई है, ये जो फिल्म आ गई है, ये जो सुपर हिट जोड़ी है, जो एक्सपेक्ट करेंगे, इसको 200 टच नहीं हुआ, सो दिस अ फेलियर, यू नो दैट नाउ सचिन तेंदुलकर, है ना? अगर 199 भी आ गए, सो इट्स 99 ब्रो. अभी क्यों इतना सोचवा रहे हो? अभी सात, बट दिस काइंड ऑफ प्रेशर कैन बिल्ड अप वंस इन अ व्हाइल, बट हाउ यू सीम टू हैंडल वेरी वेल. आई थिंक ये कॉन्शियस डिसीजन एक लिया गया था इस फिल्म के साथ, बिकॉज काफ़ी ऐसे प्रमोशंस हो रहे हैं जो आई थिंक ऑडियंस, आई डोंट नो, मतलब हम गलत भी हो सकते हैं सही भी, बट वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, जहाँ पे ये एक मार्केटिंग टीम का और फिल्म टीम का एक डिसीजन था, जिसमें हमने ये सोच लिया था कि अभी सिर्फ कंटेंट पे, यू नो, कंटेंट को आगे लाते हैं, और फिर धीरे धीरे लास्ट वीक तक हम लोग शायद से वो प्रमोशनल कैंपेन चालू करें. वी वोंट डू इट, एंड दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग नाउ. दिस इज द फर्स्ट इवेंट, मार्केटिंग एक्चुअल इवेंट जो हमने डिलीवर किया, और आज पहली बार बड़े पर्दे पे आपको सारे गाने जो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और जो अनरिलीज है वो अभी पहली बार दिखाए. तो एक कॉन्शियस डिसीजन था, ये भी बहुत सोच सोच के ही आया कि क्योंकि भूल भुलैया में तो छतों पे चढ़ चढ़ के प्रमोट किया था, उससे पहले भी ऐसे ही किया. लेकिन आई थिंक कई बार चेंज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और कई फिल्मों के साथ सिमिलर मार्केटिंग कैंपेन नहीं जाती. आई थिंक सत्यप्रेम की कथा बहुत ही प्योर फिल्म है, आपने देखा होगा 11/11 हम प्योरिटी की बात करते रहते, वो मेक अ विश वाला एक मोमेंट होता है 11/11, तो उसी टाइम पे हम सब गाने एसेट सब कुछ उसी टाइम लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्योरिटी इन दिस फिल्म, एंड दैट्स व्हाट 11/11 इज ऑल द टाइम. माय फ्रेंड्स कीप सेइंग 11/11 मेक अ विश, and I keep asking why. I mean, it's pure. Yeah. So ऐसा है क्या? And must do it more often then. So I think yeah. तो 11, लेकिन आज actually हमने 11/11 पे नहीं डाला, क्योंकि हमें लगा कि हम लोग लेट हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, तो let's not get into it. तो this is the only asset जो उस time पे launch नहीं किया. But yeah, so ये conscious decision था कि marketing campaign थोड़ा एक फिल्म के हिसाब से चेंज करेंगे, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग, सीपिन हो रहा है, लोगों को आज के बाद या जो भी एसेट्स हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं. इट वाज रिलेटेड टू द फिल्म, यहां पे पीछे सफेद हार्ट है, हाउ डिड दिस थॉट प्रोसेस आल्सो कम अबाउट, दैट इतना हटके करते हैं कि यार या तो बजूका या डबल बजूका, है ना? मतलब डबल बजूका. So, white is the color of purity, and heart is love. So, pure love, Tattu and Kathaki, pure love. So, white heart just depicts the depicts their pure love. मैं जैसे बोलता हूँ कि लोग भागते हैं क्रिएटिव जगह से, हम लोग करते हैं, इसलिए ये फिल्म में सोल आता है, अदरवाइज सोल नहीं आएगा इस फिल्म में. It is so true to the movie. सच बोलने से पहले सोचने का क्या है? बट एक्चुअली वो बात सही है, आपका सवाल सर से भाग कैसे हैंडल किया यार? अरे क्या होता है, मैंने दे दिया स्टार दे दिया था. स्टारडम को हैंडल करना पड़ता है कई बार जब आर्टिस्ट बड़ा हो जाता है, यू नो यू हैव टू हैव दैट मोमेंट. नहीं, दोनों के बारे में सर मैं एक बात बोलूंगा, जैसे ये दोनों आते थे सेट पे, उसके बाद जब तक मैं नहीं बोलता था कि जाओ, तब तक ये जाते नहीं थे, वहीं पे बैठे रहते थे. कभी भी मुझे ये कंप्लेन नहीं है कि मुझे जाना है, जल्दी छोड़ो, मेरे 10 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, ये कभी नहीं हुआ. तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है एक अच्छी फिल्म बनने के लिए, कि मैं भी शांति से वहां पे काम कर सकता हूँ, मुझे पता है, मैं इन दोनों को जाके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा एक
बस 6 घंटा और रुको और वो रुकते थे सर आप स्लोली स्लोली और सिंपली सिंपली बहुत कुछ बोल जाते हैं मैंने रियलाइज कर लिया है बस थोड़ा ऐसे वन मोर डे बस मैं ये ऐड करना चाहूंगा सर की बात पे कि जो क्रिएटिव डिस्कशंस और ये सारी चीजें होती है क्योंकि हम सबके लिए फिल्म बहुत ज्यादा प्रेशियस है आई थिंक मेरे पूरे करियर में मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व किसी फिल्म में नहीं रहा जितना सत्य प्रेम की कथा मेरा बिकॉज आई रियली रियली बिलीव इन द सब्जेक्ट एंड आई रियली फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सत्य प्रेम की कथा आई थिंक मेरी फिल्मोग्राफी में शायद दिस इज वन फिल्म जिसमें मतलब बहुत ज्यादा मतलब मुझे हर चीज में इसमें हर फ्रेम में एक प्राउड फीलिंग आती है एंड विच आई डोंट नो कि वो कैसे क्या बट वो स्टोरी लेवल से ही शुरुआत से फर्स्ट डे से जब से हमने पहला नरेशन किया था तब से लेकर आज तक स्टेज पे खड़े वो वाली फीलिंग है और वो फीलिंग कभी गई नहीं तो हर बार हम लोग बहुत इतने अटैच होते हैं कोई ना कोई चीज़ से तो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट उन चीज़ों में बहुत होता है जब when you're really attached to something and you feel that this is precious and this shouldn't you know this should be presented in the best way possible तो वो हर बार ऐसी चीजें होती हैं आपस में सबकी होती है मतलब किसी ना किसी और सब लोगों का ये अटैचमेंट फिल्म के साथ है which is unreal for a film I think ये बहुत मुश्किल से मिलता है जो सत्तू अब्दुल्ला की कहानी में मिला है